आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। नवीनतम दिशा निर्देश जारी, वैवाहिक आयोजन में 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी, लेकिन सभी 10 लोगों को अपना कोरोना जांच करना होगा और जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही वैवाहिक आयोजन की अनुमति मिलेगी। जांजगीर चांपा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए वैवाहिक कार्यक्रम में नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें शादी में शामिल होने वाली की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने वाली ही शादी में शामिल किया जाएगा। शादी की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिया जाएगा। वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दसगात्रा, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 10 निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय समय पर हाथ धोना, सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के लिए नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदक को विवाह हेतु आवेदन के साथ विवाह में शामिल होने वाले 10 व्यक्तियों, वर एवं वधु सहित का नाम, जानकारी एवं 72 घंटे पूर्व का कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुमति नहीं लेने वालों पर प्रशासन FIR कर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में रहें और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें। अनुसार 31 मई तक जो है पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसके अनुपालन में पामगढ़ क्षेत्र में जो है समस्त जो है चौक चौराहों में हमारे पुलिस बल, हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। उनके द्वारा जो है अनावश्यक बेवजह जो है आवाजाही करने वाले लोगों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। जो अनावश्यक बेवजह घूम रहे हैं उनसे जो है चलानी कार्रवाई भी की जा रही है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कंटेनमेंट जोन का आदेश है उसको हम अनुपालन को सुनिश्चित करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।